शमिता शेट्टी ने लगाया प्रतीक सहजपाल पर बड़ा इल्जाम। शमिता शेट्टी ने प्रतीक सहजपाल को लेकर कही ये बड़ी बात। वेल, आखिर क्या है शमिता शेट्टी का प्रतीक सहजपाल को लेकर कहना, आइए हम आपको बताएं। वेल, बिग बॉस 15 के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि बिग बॉस के नॉन वीआईपीज की किस्मत एक बार फिर वीआईपीज के हाथ लग चुकी है, जिसके चलते इस हफ्ते वीआईपीज ये डिसाइड करेंगे कि उन्हें किस नॉन वीआईपी कंटेस्टेंट को नॉमिनेट करना है। और इसी के चलते नॉमिनेशन प्रक्रिया के दौरान कंटेस्टेंट्स को जोड़ियों में आगे आना होगा और ये बताना होगा कि वो दूसरे कंटेस्टेंट से बेहतर क्यों है और वो क्यों डिजर्व करते हैं नॉमिनेट नहीं होना। वेल, इसी के दौरान शमिता शेट्टी और प्रतीक सहजपाल एक साथ आते हैं और ये बताते हैं कि वो दूसरे कंटेस्टेंट से बेहतर क्यों है, जिसके बाद देवोलीना भट्टाचार्जी ऑफ कोर्स प्रतीक सहजपाल को चुनती है। इस नॉमिनेशन प्रक्रिया के बाद जब प्रतीक सहजपाल शमिता को अपना स्टैंड एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो शमिता शेट्टी प्रतीक पर एक गंभीर इल्जाम लगाती नजर आती है। शमिता शेट्टी प्रतीक सहजपाल से ये कहती नजर आती है कि जब भी बिग बॉस 15 के घर में कोई लड़की आती है तो प्रतीक सहजपाल उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं और वो लड़की का सहारा लेकर गेम में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। शमिता शेट्टी की ये बात प्रतीक सहजपाल को काफी ज्यादा चुभती है और वो शमिता से बार बार उनके शब्दों पर गौर फरमाने की बात भी कहते हैं, लेकिन शमिता शेट्टी अपने शब्दों पर अड़ी हुई रहती है। वेल, प्रतीक सहजपाल और शमिता शेट्टी की इस लड़ाई में आपको कौन सही और कौन गलत लग रहा है, हमें कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर बताएं। बिग बॉस सीजन 15 से जुड़ी सारी डिटेल्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।